आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग को बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। अगर आप लोग भी चाहते हैं लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड फ्री में अप्लाई करके लेना, तो दोस्तों यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड अप्लाई ऑफर कर रहा है। अगर आप लोग भी चाहते हैं फ्री में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके लेना, तो दोस्तों मार्केट में तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड आपको लॉन्च करता है, मगर उसमें आपको कोई चार्जेस पे करना पड़ता है। मगर इस बैंक में अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री में बिल्कुल ही लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करता है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। तो दोस्तों हम लोग सीखते हैं आज की इस वीडियो में कि हम लोग भी एक लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्लाई करके ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल पे आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हूं, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। सबसे पहले अपना टाइटल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपना फर्स्ट नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नाम डालना है, उसके बाद दोस्तों नीचे अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। चलिए यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अपने एरिया का पिन कोड डालना है, जैसे अपने एरिया का पिन कोड डालते हैं उसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, सारा जो है कैपिटल में फिलअप करना है, उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड के अनुसार डेट ऑफ बर्थ को भी फिलअप कर लेना है। चलिए मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को भी फिलअप कर लिया, उसके बाद रेसिडेंट इंडियन ही रहने देना है, उसके बाद आपको फाइनली स्कोर करना है, ये दोनों पे टिक करना है, फिर आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहां पे फिल अप करना है, फिर आपको यहां पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। चलिए मैंने यहां पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद अब आ चुका ऑक्यूपेशन, जिसमें आपसे यह पूछा जा रहा है कि आप सैलराइड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मैं सैलराइड पर्सन हूं, मैं काम करता हूं किसी के अंदर में, तो यहां पे सैलराइड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां पे ग्रॉस एनुअल इनकम, आप साल में कितने रुपए कमाते हैं वो आपको यहां पे डालना है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख कितना साल में आप कमाते हैं वो आपको यहां पे डालना है। चले मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार का आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो यहाँ पे सबसे नीचे जो लिखा हुआ है आई विल लाइक टू फॉर अनदर कार्ड, इस पर टिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करते अब यहाँ देख सकते लिखा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर है, क्या आप एक बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर है? अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो यहाँ पे यस करना है, अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है तो यहाँ पे फाइनली नो करना है। चलिए फिलहाल में मेरा नहीं है तो यहाँ पे नो कर दिया हूँ। उसके बाद आपसे यह पूछा जा रहा है कि क्या आपका अदर अकाउंट का कोई क्रेडिट कार्ड है? अगर आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है तो यस करना है, अगर आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फाइनली यहां पे नो करना है। तो फिलहाल में मेरे पास नहीं है, यहां पे नो किया, फिर कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू करते अब यहां पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, प्लीज शेयर योर परमानेंट एड्रेस, यहां पे पूछा जा रहा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस यही है? तो फाइनली मेरा जो एड्रेस है फाइनली मेरा यही है। सिंपली आपको यहां पे लैंडमार्क डालना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ आधार नंबर 4 डिजिट लास्ट, यहां पे आपको आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट डालना है। उसके बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं उसी तरह यहां देख सकते हैं सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक यहां पे शो करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे लिखा हुआ है इन केस दिस यू नॉट करेंट एड्रेस काइंडली एडिट अपडेट हेयर अपडेट प्रूफ दिस एड्रेस थाउट टू इन द एप्लीकेशन, इस पर आपको फाइनली टिक करना है, फिर आपको नीचे की तरफ कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ देख सकते हैं प्लीज प्रोवाइड योर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपसे ये पूछा रहा है कि किस कंपनी में काम करते हैं, अपने कंपनी का नाम डालना है। चलिए दोस्तों मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, जिस कंपनी में मैं नौकरी करता हूँ ना, उस कंपनी का यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं यहां पे नीचे एक तरफ लिखा हुआ है प्रोफेशन, आपसे ये पूछा जा रहा है किस कंपनी में कौन सा सेक्टर में काम करते हैं, तो यहां पे अगर नहीं दिखाएगा तो अदर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां देख सकते हैं आपसे ये पूछा जा रहा है कि कंपनी का पूरा एड्रेस फिलअप करने के लिए किस कंपनी में, उसके बाद दोस्तों यहां पे इस कंपनी में कितने साल से आप काम कर रहे हैं वो आपको यहां पे डालना है, मैं 4 साल से काम कर रहा हूं मैं डाल दिया हूं। उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्लीज प्रोवाइड योर एड्रेस, जिस कंपनी में काम करते हैं कंपनी का एड्रेस फिलअप करना है, फिर आपको नीचे की तरफ कंटिन्यू का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। चलिए मैंने यहां पे सारा डिटेल्स फिल अप किया, उसके बाद यहां देख सकते हैं मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से क्रेडिट का जो लिमिट है यहां पे 25,000 का मुझे लिमिट दे चुका है, कंग्रेचुलेशन, मेरा नाम भी ऊपर शो है और मुझे यहां देख सकते हैं 25,000 का मुझे यहां पे क्रेडिट लिमिट दे रहा है। अब यहां पे स्टार्टिंग में मुझे यहां पे 25,000 का दे रहा है,
उसके बाद अगर अच्छी तरह से मैं इसको यूज करूंगा तो हो सकता है 50,000, 60,000, 1,00,000 तक का भी मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में लिमिट दे सकता है। मुझे यहाँ पे नया नया टाइम में यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 25,000 का लिमिट दे रहा है। मैं इसको अगर यूज कर लेंगे तो फिर मेरा इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं दो ऑप्शन है, यहाँ लिखा हुआ एनुअल फी और यहाँ पे फर्स्ट ईयर फी, यानी कि कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, लाइफ टाइम फ्री कार्ड आपको दिया जाता है, इसमें कोई भी अदर चार्ज नहीं करता। चलिए दोस्तों मैंने सारा डिटेल्स को मैंने फिलअप कर दिया हूँ और मैं अपने हिसाब से पढ़ भी लिया हूँ, यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे कंफर्म करते हैं उसके बाद फिर से एक नया पेज ओपन होगा कुछ इस प्रकार। सबसे पहले तो अपना टाइटल को सिलेक्ट करना है, अपना मैरिड स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आपका मैरिड हुआ है तो मैरिड, अगर सिंगल है तो सिंगल। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन है मैं किया हूँ, क्वालिफिकेशन मैं कर लिया हूँ। यहाँ पे आपसे ये पूछा रहा है कि आप कौन कार्ड पे कौन नाम रखना चाहते हैं, मैं अपना फुल नाम डाले हूँ। उसके बाद अपना एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपने मदर का नाम डालना है, यानी कि अपने अम्मी का यहाँ पे नाम फुल नाम डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे फादर का नाम डालना है। चलिए मैंने अपने फादर का नाम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्ड को कहाँ पे लेना चाहते हैं, तो मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ ऑफिस यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। अगर आप जिस यहाँ पे एड्रेस पे लेना चाहते हैं तो करंट पे आपको या परमानेंट पे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ऑफिस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, इसलिए ये कार्ड मुझे ऑफिस में रिसीव हो जाएगा तो सबसे बेहतर होगा। चलिए मैंने यहाँ पे ऑफिस पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इश्यू एंट्री यहाँ पे नो करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ देख सकते हैं प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, फाइनली यहाँ पे नो करना है। नो करने के बाद सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से एक नया पेज ओपन होगा, इसको भी फाइनली नो करना है। यहाँ पे मुझे कोई भी अदर फ्यूचर नहीं लेना है, सिंपली आपको नो करना है, फिर आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करते अब यहाँ देख सकते हैं प्लीज अपलोड द प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। अब आपको तीन डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पे फोटोग्राफ, जिसके नाम से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है, आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है और इनकम प्रूफ, ये तीन डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटोग्राफ क्लिक करके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अपना फोटो को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं ना यहाँ पे अपना एक फोटो को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना, अपलोड पे क्लिक करके अपना यहाँ पे फोटो क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चलिए सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे आधार कार्ड, इस पर क्लिक कर लेना है। चलिए मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, अपने आधार कार्ड को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। चलिए मैंने यहाँ पे आधार कार्ड को भी अपलोड कर लिया, फाइनली यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ में क्या अपलोड करना है यहाँ देख सकते हैं मैंने कर लिया। अब इनकम प्रूफ पे क्लिक करना है और बैंक का स्टेटमेंट, 6 महीना का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं अपने 6 महीना का बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ में बनाकर रखा हूँ, सिंपली यहाँ पे अपलोड करके सबमिट करना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते सबमिट एंड प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे नीचे देख सकते हैं आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों एक पेज ओपन होगा, सिंपली आपको पढ़ लेना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सारा डिटेल्स को मैंने फिलअप किया, उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक करते अब आपको ई साइन करना है। ई साइन करने के लिए आपको नाउ पे आपको क्लिक करना है। चलिए यहाँ दोस्तों मैंने यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप नाउ पे क्लिक करते अब आपको फिर से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, कुछ नहीं करना है। सबसे नीचे देख सकते हैं प्रोसीड का एक ऑप्शन है, दाहिना तरफ एक देख सकते हैं प्रोसीड का ऑप्शन है, फाइनली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे टिक करके और साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, देख सकते हैं उससे पहले इस पर टिक करना है, फिर आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, इस पर फिलअप करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ देख सकते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है साइन हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसको चाहे तो आप डाउनलोड करके या प्रिंट आउट करके रख लेना। और दोस्तों आप लोग इसी प्रकार से आप लोग आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का यही प्रोसेस है, आप लोग इसी प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं।